मैं हूं क्राइम मदारी। महिला के कत्ल में गुरुग्राम पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। प्रेमी ही निकला महिला का हत्यारा। महिला की चाहत में उसके पति को भी उतारा था मौत के घाट। अब आया पुलिस की गिरफ्त में। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। सही है, इश्क किसी रिस्क से कम नहीं। और उस समय तो ये इश्क और भी घातक हो जाता है जब ये मर्यादित ना हो। ऐसे ही एक रिस्क वाले इश्क में महिला को न केवल अपने पति बल्कि अपनी भी जान से हाथ धोना पड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्हई कॉलोनी में 2 फरवरी की सुबह घर में मृत मिली महिला कमला के मर्डर की, जिसके आरोपी को अपनी पुलिस जी ने अब कर लिया है गिरफ्तार। ये आरोपी कोई और नहीं, मृतका का प्रेमी है जो उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए इस हत्यारोपी दिल्ली के सुरेंद्र उर्फ दूधिया ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उसमें रिस्क वाले इश्क का मनोरंजक और खौफनाक किस्सा उजागर हुआ है। मृतक महिला कमला अपने पति बच्चों के साथ मुंडेला दिल्ली में रहती थी और उसका पति था राजमिस्त्री। वहीं आरोपी सुरेंद्र की थी परचून की दुकान और मृतक महिला कमला से ये सुरेंद्र कर बैठा आंखें चार। बस क्या था, इसी बीच वर्ष 2014 में मृतका और आरोपी के संबंध बन गए। और जब कमला के पति महेश को पता चला तो उसने उठा दिया सवाल, लेकिन सुरेंद्र को गुजरा नागवार और उसने जून 2018 में उसको दिल्ली में एक नहर के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी और नहर में फेंक दिया शव, जिसका आज तक पता तक नहीं चला। इस तरह अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गए दोनों पति पत्नी। रिस्क वाले इस इश्क में कमला भी सुरेंद्र के इशारे पर चली और उसने अपने पति की हत्या के 10 दिनों बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना जाफरपुर दिल्ली में करा दी दर्ज। और उसके बच्चे तभी से अपने पिता को मान रहे थे गायब। इसके बाद से वर्ष 2018 में ये दोनों गुरुग्राम में आ गए और पहले वजीराबाद और उसके बाद पिछले करीब 6 महीनों से गाँव कन्हई की कन्हई कॉलोनी में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। अब इन दिनों सुरेंद्र नहीं करता था काम जिसको लेकर कमला से होता था आए दिन झगड़ा। हद तो ये हुई कि जिसे पाने के लिए उसने उसके पति को रास्ते से हटाया था, अब उससे तंग आकर उसे भी उतार दिया मौत के घाट और हो गया फरार। आखिर ये कैसा इश्क है जनाब। लेकिन अपनी पुलिस जी ने इसे थर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र भी शादीशुदा है, लेकिन अजब से रिस्क वाले प्रेम में वह पिछले कई महीनों से अपने घर भी नहीं गया था। इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए सुशांत लोक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसवीर की टीम ने आरोपी को कुछ ही घंटों में कर लिया गिरफ्तार। और इसे दबोचने में एसीपी संजीव बलहारा और डीसीपी ईस्ट वीरेंद्र विज के मार्गदर्शन में पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। साथ ही दिल्ली पुलिस को दी है महिला के पति के मर्डर की जानकारी। दिनांक 2/3/2022 को सुशांत लोक पुलिस को सूचना मिली थी कि कन्हई कॉलोनी में एक महिला की गला दबा के हत्या की गई है। मृतक कमला व एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति पति पत्नी के रूप में रहते थे और ये यहाँ पे किराए पे कन्हई कॉलोनी में रह रहे थे। और इनका आपस में, क्योंकि सुरेंद्र कोई काम नहीं करता था, इस बात को लेके आपस में झगड़ा होता था। और इसकी जब डेड बॉडी मिली तो सुरेंद्र वहाँ से गायब था। तो इंस्पेक्टर जसवीर पूनिया के नेतृत्व, SHO सुशांत लोक के नेतृत्व में पुलिस ने काम करते हुए, बेहतरीन काम करते हुए, कुछ घंटों में ही जो आरोपी फरार हुआ था उसको गोल्ड सुख के पास से गिरफ्तार किया गया। और पति की भी उसने कुछ साल पहले दिल्ली में हत्या की थी, क्योंकि ये पति पत्नी इस सुरेंद्र के नज़दीक ही रहते थे। वहाँ पे इसकी परचून की दुकान थी और इन दोनों के अवैध संबंध वहाँ पे बन गए। तो उसके पति महेश को इसके बारे में जानकारी मिली तो उसने विरोध किया। तो इस रंजिश को ध्यान में रखते हुए उसने नहर के किनारे ले जाके सिर में चोट मार के उसकी हत्या कर दी और नहर में फेंक दी।
जिसके संबंध में भी हमने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है। तो साहेबान, पुलिस की गिरफ्त में आए इस सरफिरे आशिक को अब दो जेलों में सरकारी सुख भोगना पड़ेगा। महिला की हत्या के बाद इसकी गिरफ्तारी से अब महिला के पति की हत्या के एक बड़े राज से भी अपनी पुलिस जी ने हटा दिया है पर्दा। तो जनाब, अवैध रिश्तों की एक और वानगी में एक पति पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ गई और बच्चे हो गए अनाथ। इस मामले के खुलासे के बाद एक बार फिर साबित हुआ कि रिश्तों में मर्यादा जरूरी है, वरना हो सकते हैं ऐसे खौफनाक हादसे। तो रहिए सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।